बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये छोटी सी वीडियो है, लेकिन वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग मेहनत करके वीडियोस बनाते हो और अपने चैनल पर अपलोड करते हो। सिर्फ एक वीडियो अगर आप बनाते तो खैर थी, मुसलसल आप लोग मेहनत कर रहे हैं, वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, और एक छोटी सी गलती आपकी सारी मेहनत पर कैसे पानी फेर सकती है, इसी के बारे में मैंने आपको बताना है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। दोस्तों, पिछले दिनों 10-12 दिन पहले मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था और अपने दूसरे चैनल पर उसको मैंने अपलोड किया था। उसमें यह था कि मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब जो हैं वो हमारी मस्जिद में आ रहे थे और उनका जो है वो दरस कुरान था बाद अज नमाज जोहर के। तो ये उनका जो इश्तिहार था वो मैंने इश्तिहार के ऊपर वीडियो बनाई थी, इश्तिहार मैंने लगाया था और यही पढ़कर सुनाया था कि जो मैंने अभी आपको बताया है। तो इस पर जो है उन्होंने मुझे एक वार्निंग दे दी है, क्रिमिनल वार्निंग दे दी है इस पर। तो मैंने इसकी अपील भी की, अपील भी खारिज हो गई। तो चूँकि ये एक वार्निंग थी, इससे पहले मैंने कोई वायलेशन नहीं की थी और वायलेशन तो मैंने अब भी नहीं की थी, लेकिन जो है ना जानबूझकर मैंने नहीं की थी, लेकिन उसमें वो वार्निंग क्यों मुझे दी गई और मैंने कौन सी वायलेशन की थी, ये बात आपने तवज्जो के साथ सुननी है, क्योंकि आपके चैनल के साथ भी कल को ये मसला आ सकता है। अगर आपके पास दो स्ट्राइक हैं तो तीसरी दफ़ा तो ये आपका चैनल भी उड़ा देंगे और आपकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो किसी भी कल आदम जो तंजीम के जो परचम होते हैं आप वो उस पर नहीं लगा सकते, ये भी क्रिमिनल में आता है। तो इस चीज़ से आपने एहतियात करना है, इस चीज़ से आपने अपनी वीडियोस को बचाना है, अपने चैनल को बचाना है, कि कोई भी जो कल आदम तंजीम है उसका जो परचम है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बगैर वार्निंग के भी आपका चैनल उड़ाया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस बात की समझ आ गई होगी, इस बात की समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो